संबित जी, उनका आरोप सीधा है कि क्या प्रधानमंत्री नरम रहते हैं चीन को लेकर, जिसकी वजह से हुआ है। चलिए, मैं लिख भी लिया है, मैंने लिख भी लिया है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी नरम प्रधानमंत्री है और मनमोहन सिंह जी गरम प्रधानमंत्री थे, तो ये देश जानता है कौन नरम है और कौन गरम है, मुझे यहां बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब एक एक करके जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि सेना सरकार की बंदी होती है। वाह, जब सर्जिकल स्ट्राइक करके आए और हम कहें कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है पाकिस्तान के ऊपर, तब ये कहते हैं अच्छा सेना तो इंडिपेंडेंट है, ये बंदी थोड़ी है आपकी, आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि सेना तो बंदी है आपकी, आपने सरेंडर कर दिया है जमीन वहां पे। ये बंदी और खोलने वाला बात इनके हिसाब से चलेगा। मैं यहां पे क्लियर कर दूं, आज तक पे हिंदुस्तान की सेना को बंदी कहना ये हिंदुस्तान की सेना के प्रति अभद्रता दिखाना है। नंबर एक, खुली छूट दी हुई है नरेंद्र मोदी जी ने सेना को 26/11 के बाद, जिस सेना ने कहा था कि हम तो जवाब देना चाहते थे किंतु सरकार ने वो पॉलिटिकल विल नहीं दिखाया हमें जवाब देने के लिए, वही सेना आज कहती है कि यस दिस गवर्नमेंट हैज द पॉलिटिकल विल। नंबर वन। नंबर दो सवाल डोकलाम, डोकलाम, डोकलाम। अंजना जी, 10 बार यहां कहा गया है कि इंडिया में, इंडिया डोकलाम में हार गया। मैं यहां सीना ठोक के कहता हूं डोकलाम में इंडिया जीता है। पूरा विश्व मानता है कि जिस प्रकार एक संकल्प, एक शक्ति और संयम डोकलाम में हिंदुस्तान ने 73 डेज के स्टैंड ऑफ में दिखाया था, वो अपने आप में इतिहास है। मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेसियों को इतना अच्छा ये सैडिस्टिक प्लेजर, इंडिया हार गया, डोकलाम चला गया, जमीन हमारी सरेंडर हो गई, हमारे देश में कब्जा हो गया, इन सब विषय, हमारे आर्मी के जवान एक भी चाइनीज को मार नहीं पाए, हुसैन दलवाई जिनको सबूत चाहिए कि एक भी चाइनीज का जवान मरा है, जबकि खुद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अब मानने लगी है कि हाँ उनके अफसर भी मरे हैं उसमें और बहुत सारे लोग मरे हैं, फिर भी इनको सबूत चाहिए। इनको ये सैडिस्टिक प्लेजर, ये अद्भुत खुशी इंडिया के, इंडिया परेशान, अगर इनको परेशान बना के इंडिया को, ये अद्भुत खुशी खोजने की कोशिश क्यों करते हैं? इन्होंने क्या कहा, क्या रिश्ता है मोदी और चीन का, क्या रिश्ता है? रिश्ते जैसे शब्द का तो इस्तेमाल इन्हें करना ही नहीं चाहिए। 2008 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, मगर सोनिया जी को इनवाइट किया गया बीजिंग ओलंपिक्स में, देश के प्रधानमंत्री को नहीं। मुस्कुराती हुई सोनिया जी वहां पर, हाथ हिलाती हुई सोनिया जी बीजिंग में ओलंपिक्स में, और माँ बेटे जाके चुपके चुपके जिस एमओयू को साइन कर रहे थे, उस एमओयू के पीछे कंधे पर हाथ रख के, राहुल गांधी के कंधे पर हाथ रख के कौन खड़ा है, किसका साया पड़ा है राहुल गांधी पे? शी जिनपिंग। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, डोकलाम, डोकलाम, डोकलाम आपने 10 बार बोला, डोकलाम के समय चाइनीज टेंट के अंदर खाना कौन खा रहा था ऑनवॉय के साथ बैठकर? पहले तो आप लोगों ने मना किया, जब मीडिया ने इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाया कि राहुल गांधी एंड होल फैमिली कॉट रेड हैंडेड इनसाइड द चाइनीज टेंट, आपने कहा नहीं नहीं ये झूठ बातें हैं। फिर मीडिया के हाथ जब ये फोटोग्राफ लग गया कि पूरा परिवार वाड्रा क्लैन उस टेंट के नीचे चाइनीज ऑनवॉय के साथ षड्यंत्र कर रहा था, तब इनको मानना पड़ा। मैं आज सवाल पूछता हूं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, में कांग्रेस बुलाता ही नहीं हूं, मैं बोलता हूं सोनिया, राहुल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इनके बीच में क्या रिश्ता है? और आपको क्या लगता है हम लोग ये सब खुलासा करेंगे? नहीं, वेट करिए, सारा कुछ खुलासा होगा, ऐसी ये सब बातें देश की जनता के सामने आएगी। नहीं, उस खुलासे से क्या पता चलेगा सर कि गलवान घाटी में ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? मैं बता रहा हूं, मैं अंजना जी 10 सेकंड लेता हूं आपका, आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है। देखिए अंजना जी, मैं बिना लड़े बहुत शांतिप्रिय तरीके से बोलता हूं, आप किसी भी एक्सपर्ट को बुला के पूछिए, ये जो चाइना वॉर करता है इसका वॉर केवल इसकी मिलिट्री में कोई दम नहीं है, ये पीएलए है, ये मिलिट्री भी नहीं है, ये अनप्रोफेशनल आर्मी है, ये उनके पार्टी का एक विंग है। ये असली वॉर साइकोलॉजिकल वॉर करते हैं, ये घर के अंदर लोगों को तोड़ना, अपने सिस्टम को फेल करना, साइबर वॉर कराना, आपके सारे साइबर सिस्टम पे अटैक करना, बड़े बड़े नेताओं को खरीद लेना देश के अंदर, बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स को अपने चपेट में ले लेना और पूरे सिस्टम को हिला के रखना, ये आपको क्या लगता है? ये जो यूएस में अभी सिस्टम आप देख रहे हैं, तो यूएस में किस प्रकार से घुसपैठ करके एक बहुत बड़ा वहां पर रेसिज्म के नाम पे जो जलाना, मारना, काटना हुआ, ये सब भी हुआ है। यहां पर हिंदुस्तान में भी बहुत सारी कोशिशें चल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में चाइना से जीतना है, और जो लोग रिश्ता चाइना से बनाए हुए हैं उनको एक्सपोज करना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।